तो दोस्तों, हर एक कहानी में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से उस कहानी में चार चांद लग जाते हैं। क्यों, सही कहा ना? हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ था। एक शख्स ने आके उस कहानी में चार चांद लगा दिए थे। अब वो कौन था ये तो आपको आगे कहानी में चल के पता चल ही जाएगा, पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत हुई कैसे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज निशित घड़ाई एंड यू आर वॉचिंग डिवन पिक्सल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी 2024 से, जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स का आखिरी दिन था। अब क्योंकि सेमेस्टर इतना ज़्यादा हेक्टिक था, तो एग्जाम के बाद वाला दिन तो कहीं घूमने जाना बनता ही था। इसलिए एग्जाम खत्म करके तुरंत आ गया मैं अपने रूम में और अपने रूममेट्स के साथ मिलकर प्लान बनाने में लग गया कि जाना किधर है। रात भर मिलकर हमने अच्छे से प्लानिंग की, फिर अगले दिन लंच के बाद निकल गए हम अपनी मंजिल पर, जो कि था मंगलजोड़ी वेटलैंड्स, विच इज़ फेमस फॉर बर्ड साइटिंग। So without wasting any time, let's jump into the story. तो फिलहाल आए हम बर्ड साइटिंग सेंटर पे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। सी और सामने ही कई ज़्यादा बर्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शायद बोटिंग का ऑप्शन भी है, हम जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। या लेट्स गो। सो इफ़ यू वांट टू अवेल बोटिंग ऑप्शन, देन यू हैव टू पे हियर 1200 bucks। अलॉन्ग विथ इट यू विल गेट अ गाइड, और हमारे गाइड वही शख्स थे जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था। सो वी आर फाइनली गोइंग फॉर द बोटिंग। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। जो हवा आ रही है ना, पानी भितर जाऊँगी रेड सांगी हूँ एटा इंडियन पॉइंट हिरन इट वॉज ट्रूली अ प्रिविलेज टू कैप्चर दिस सीनिक व्यूज थ्रू माई कैमरा। ऐसा लग रहा था कि आई एम जस्ट लिविंग इन द मोमेंट एंड एंजॉइंग एवरी बिट्स ऑफ इट। मीडियम सीग्रेट yeah.
ब्लूटा होची पर्पल मोरेन आगे आगे पर छोटा छु ଏଠି ଆମର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସାଇବେରିଆରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁ ବରଫ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ବରଫ ହୋଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ସହିପାରନ୍ତିନି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କିଛି ଗରମ ସହିପାରନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଗରମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳେ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ରୁହନ୍ତି ଆମ ଲୋକାଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଏଠି 40-45 ଭେରାଇଟିର ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଲୋକାଲ୍ ପକ୍ଷୀ ରହିଯାଆନ୍ତି ମାଇକି ଯିବାଟେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେ ପଳା କେଉଁଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଦୁଇଟା ବସିବେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆଉ କପଲ୍ ବାଗ ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋଡ୍ ଚଇ ଜାକିନା ଯେଉଁ ମୟୂର କଲର୍ ଭଳି ମୂଷା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କେମିତି ବୁଝା ହବ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମରେ କଣ କେମିତି ଥିଲା ଏଠି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଇଏ ହେଲା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ନାମ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଲଡର ଗୋଟେ ରୁଡ଼ି ସେଲଡର ଭେରାଇଟିର ଚିଲିକାର ଓପେନ ଲେକ୍ଟା କେତେ ଦୂର ଏଠୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଆରନ୍ ଭାଇ ଭଲ କୋଚ୍ ମାନବ ଯୋଡ଼ିକାରେ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ କଥା ଏହା ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ତୁମ ଲୋକଙ୍କୁ अंकल ने बहुत अच्छे से बोल दिया बहुत पीस है गाइस यू विल फाइंड कंप्लीट नेचर हियर डेफिनेटली लेना चाहिए आपको ब्रीदिंग थ्रू द नेचर अब ये वाली लाइन तो आपने पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा राइट मैंने भी यहाँ पे आने से पहले इसको सिर्फ सुना ही था बट आने के बाद आई ट्रूली फेल्ट इट द ब्यूटिफुल प्ले ऑफ द सेटिंग सन एंड द पैसिफिक लेक उफ दीज मिरेकल्स बाय द नेचर आर समथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द कैमरा यू हैव टू कम योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस थ्रू योर आईज सो गाइस इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू कम हियर मतलब
कहा था प्रॉपर नेचर वाली फील चाहिए तो जरूर आइए यहाँ पे, चारों ओर सिर्फ नेचर ही नेचर है। यू कैन फील द कामनेस द प्योरिटी एंड फीलिंग वाइब्स हियर। देखिए तो या जरूर आइए एंड विद दिस आई वांट टू एंड द ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट्स में आगे लाता रहूं देन प्लीज सब्सक्राइब एंड चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर बाय एंड धन्यवाद। अगर आप भी हमारी तरह एक नेचर लवर है देन मंगल जोड़ी इज डेफिनेटली फॉर यू। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो, जब भी आप ऐसी किसी जगह पर आते हैं देन नेचर ट्रूली एक्ट्स एज अ मेडिसिन। तो आज की कहानी तो बस यहीं तक थी। होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी दूसरी कहानी में। टिल देन टेक केयर बाय एंड धन्यवाद। एक चांद सा टुकड़ा रहता है। कौन है भाई वो चांद सा टुकड़ा? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तो गाइस हम लोग ये गाड़ी रेंट पे लाए थे और पेट्रोल खत्म हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत दुखे गाइस, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एक्टर से। एक्टर के पास ही लाए थे, एक्टर से लाए थे मतलब रिपीटेड प्रॉब्लम होगा ये हमको पहले से लगता है।